सोशल मीडिया पर कश्मीर फाइल्स इस वक्त लगातार छाई हुई है और सोशल मीडिया के अलावा बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि कश्मीर फाइल्स को बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और जब से श्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस फिल्म के सपोर्ट में आए हैं, जनता को और भी ज्यादा इस फिल्म को देखने की क्यूरोसिटी जो है वो बढ़ गई है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अब तक का इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है, तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस फिल्म को जैसे ही रिलीज मिली, तुरंत इस फिल्म को बहुत सारे थिएटर्स नहीं मिले थे, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये फिल्म इतना अच्छा कर रही है, इस फिल्म को देखकर लोग इतने इमोशनल हो रहे हैं, लोगों को वो सच पता चल रहा है जो इतने सालों से छुपा हुआ था, इसीलिए कहीं ना कहीं इस फिल्म को अचानक से 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज करने का फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर सिर्फ यही नहीं बल्कि इस फिल्म ने एक्टर्स को भी अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट कर लिया है, चाहे वरुण धवन हो या फिर कोई भी और एक्टर हो, सुनील शेट्टी से लेकर इनफैक्ट अजय देवगन तक कई सारे एक्टर्स ऑलरेडी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस फिल्म ने क्या कुछ रिकॉर्ड कायम किया है। जी हाँ, 87.40 करोड़ का बिजनेस 6 दिन में ये फिल्म कर चुकी है। द कश्मीर फाइल्स हैज क्रिएटेड हिस्ट्री वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो 87.40 करोड़ जो कि इस फिल्म की आधी बजट है। जी हाँ, इस फिल्म में बहुत ही कम बजट में बहुत अच्छा काम करवाया गया है और इसीलिए कहीं ना कहीं इस फिल्म को ऑलरेडी एक सक्सेसफुल हिट माना जा रहा है। इस फिल्म ने राधे श्याम से लेकर बैटमैन से लेकर गंगूबाई जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के होने के बावजूद इस स्मॉल बजट की फिल्म ने और ऐसी फिल्म ने जिस इंडस्ट्री में ज्यादा एक्लिमेशन नहीं मिल रहा है, ऐसी फिल्म ने ऑलरेडी इतना बड़ा बिजनेस कर लिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इस पर आप क्या कहेंगे, बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया, बिकॉज महसूस करना जो है when you are performing that as an actor, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फिल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, but everybody can't act it out. That's a job of an actor to do that. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling.